नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, खबर, जून का महीना शुरू हो चुका है, नए शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुके हैं। इसमें एक अहम खबर हम आपको दिखा रहे हैं। ये खबर है मीरा भाईंदर की, ये खबर मीरा भाईंदर की है। लेकिन इस खबर पे अगर गौर किया जाए तो इस खबर का जो विषय है ये सिर्फ मीरा भाईंदर तक सीमित नहीं है, ये विषय कई जगह पर है। दरअसल मीरा भाईंदर महानगर पालिका के शिक्षण विभाग ने अपने ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट वायरल करते हुए एक पत्र ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया है, जिसमें मीरा भाईंदर के शिक्षण विभाग ने ये साफ तौर पर कुछ स्कूल के नाम बताए कि वो स्कूल पूरी तरह से अनाधिकृत है, उन्होंने किसी तरह की सरकारी परमिशन नहीं ली हुई है। और आह्वान किया गया है पब्लिक से कि आप अपने बच्चों को इन स्कूलों में भर्ती ना करवाएं। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने जो ट्विटर पोस्ट किया है, पोस्ट में कुछ ऐसा लिखा हुआ है, मराठी में पोस्ट है, मीरा भाईंदर महानगर पालिका कार्य क्षेत्रात 7 अनाधिकृत प्राथमिक शाला कार्यरत असून मीरा भाईंदर महानगर पालिका शिक्षण विभागा मार्फत जाहिर आह्वान करण्यात येत आहे की खालील यादीत नमूद अनाधिकृत प्राथमिक शाळांमध्ये पालकांना आपला पाल्याचे प्रवेश घेऊ नये। इसका हिंदी में अर्थ बताओ तो ये कि महानगर पालिका ये आह्वान कर रही है कि नीचे जो पोस्ट में साथ में पोस्ट दी गई उसमें 7 स्कूलों के नाम हैं, उन वो स्कूल अनाधिकृत है, उसमें आप अपने बच्चों के एडमिशन ना करवाएं। फिर जो स्कूल की लिस्ट यादी है वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस यादी में नाम दिया हुआ है, अंग्रेजी में नाम है 9 प्लैनेट्स प्री प्राइमरी स्कूल, दूसरा है बॉर्डर हाई स्कूल, ट्रिनिटी पब्लिक स्कूल, सेंट डैनियल स्कूल, अभिलाषा हाई स्कूल, इकरा इस्लामिक स्कूल और प्रशिक स्पेशल स्कूल। इस तरह से ये 7 स्कूल जो है इसको मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने अनाधिकृत घोषित किया हुआ है। और परिजनों को, अभिभावकों को ये आह्वान किया है कि अपने बच्चों को इन स्कूल में भर्ती ना करवाएं। वहीं स्कूल को भी ये चेतावनी दी है कि वो जल्द से जल्द या तो लीगल प्रोसीजर पूरा करे, नहीं तो स्कूल बंद कर दे, अन्यथा महानगर पालिका धारा 420 और कुछ कानून की धाराओं के तहत उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाएगी। ये तो बात हुई मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने जो पोस्ट वायरल की और जो ये जानकारी सामने लाए। लेकिन मैंने जो शुरू में कहा कि ये पोस्ट सिर्फ मीरा भाईंदर तक सीमित नहीं है, तो आप सभी जानते हैं कि ऐसी स्थिति मीरा भाईंदर के अलावा दूसरे कई शहरों की भी है। बात करें पालघर जिले की, पालघर जिला अंतर्गत सिर्फ वसई विरार महानगर पालिका में कई स्कूल है जो पूरी तरह से अनाधिकृत है और वो चल रहे हैं, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं शिक्षण विभाग को इस पर कड़ी निगरानी रखते हुए कड़ी कार्यवाही करनी होगी, क्योंकि आगे जाकर ये विषय है बच्चों के भविष्य से, शिक्षण का विषय है, बच्चों का भविष्य का विषय है। इसके लिए इस पर जितना जल्दी हो सके प्रशासन को अंकुश लगाए जाने की आवश्यकता है। शिक्षण माफिया आज हर तरफ पैर पसारे हुए है। शिक्षण माफिया पैसा कमाने में, पैसा जुटाने में बना हुआ है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो ये हम आपको अपडेट दिखा रहे थे अवैध स्कूलों के बारे में। अभी के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहिए, नमस्कार। हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।